कितना प्रीटी लग रहा है ना, देखो। पर बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? देखते हैं यार, मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट करूँ, पर हाँ करना है। हेलो गाइस, तो माय नेम इज रचना एंड आई होप कि आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अब देख लेना। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, माई न्यू वीडियो। एंड आपने देखा कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको जो ब्लाउज थी उसकी कटिंग बताई थी, एंड मैं उस पर स्टिचिंग का पार्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि लेट हो गया था, तो मैं आज सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ उसका। एंड गाइज, कल का चैलेंज तो मैंने जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया एंड काफ़ी अच्छा था वो भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा हो जाएगा, बट आज देखते हैं आज का चैलेंज कंप्लीट हो पाता है या नहीं, क्योंकि मैंने कटिंग तो अच्छे से कर ली एंड अभी स्टिचिंग, उसमें फिटिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, तो देखते हैं कि मैं पास हो सकती हूँ या नहीं, देखते हैं। और हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि यार बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ, तो मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, देखते हैं यार, मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट करूँगी, पर हाँ करना है। अच्छा, एंड मैं आपको इसमें इसका लुक भी बता दूंगी। एंड मैं कल पार्ट फर्स्ट के अंदर ही ना पूरा कवर करी थी, पर लेट हो गया था, सो मुझे इसका पार्ट सेकेंड लाना पड़ा। ये तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आप ये देख सकते हो हमारी डम्मी, एंड इसका ये लुक है। तो अभी हमें ना ये स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं ये प्लेट्स होती है आई थिंक, यहाँ पे कुछ होते हैं, यहाँ पे इनमें स्टिच करूंगी, फिर ऊपर से स्टिच करके पूरा जॉइंट करके फिर बैक साइड डिजाइन भी कवर करना है अपन को। चलो स्टिचिंग करते हैं। सो अभी हम इसको निकाल लेते हैं एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट साइड की स्टिचिंग कर लेते हैं। एंड गाइज, हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब मैं नॉर्मल टोन में बोल रही थी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी मर्जी मतलब वो आपकी मर्जी, आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आप देख लेना। एंड अभी फैन चल रहा होगा तो आपको आवाज भी आ रही होगी, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड जो आपको अच्छा लगे वो करना। सो गाइस देखो, अभी बैठे हैं एंड मैंने ये नीचे निकाल लिया, एंड अभी इसको पिन लगा के पहले सेट कर लेती हूँ ताकि ना फिर स्टिचिंग करूँ ना तो ईजी रहे, ये इधर उधर हिले ना, तो फिर मैं पहले पिन लगा के इसको सेट कर देती हूँ, उसके बाद अपना चैलेंज होगा स्टार्ट। वैसे स्टार्ट ही है कल से, चलो देखते हैं कब तक कंप्लीट करते हैं। तो भाई लोगों, चलो अभी हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले तो मैं फ्रंट साइड से कर रही हूँ स्टिचिंग, एंड कैसे करनी है, इस साइड से। हाँ ओके, आई गॉट इट। सो गाइज, अभी मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया तो मम्मी उसको सही कर रही है, इतनी हेल्प तो चलती है। एंड मैंने ये सारी डोरिया बना के भी रेडी कर ली, एंड ये जो पीछे बैक साइड का मैंने डिजाइन बनाया था ना तो उसमें ये काम आएगी, तो मैंने ये भी बना ली, एंड इसके अभी टुकड़े टुकड़े भी करने हैं, तो ये से पीछे लगाने के लिए टुकड़े कर लेते हैं एंड फिर स्टिचिंग करेंगे ना तो उसमें ये लगा देंगे। अभी करते हैं स्टिचिंग, मुझे नहीं पता अब आगे कैसे करनी है, बट या आई ट्राइड माई बेस्ट। ऐसे करते हैं तब तो लगता है कि अपन ही है सब कुछ है वो। मैंने सिलाई की थी, देखो पूरा आगे से ऐसे खराब स्टिचिंग हुई है, तभी ये वापस निकाल के दोबारा देनी पड़ेगी। सोचो कितना बड़ा काम है, इसको निकालो फिर वापस स्टार्टिंग से स्टिचिंग करो, तो चलो अभी इसको निकाल के वापस स्टिच करना तो पड़ेगा ही। आप देख सकते हो मैंने 2-3 बार मेहनत करने के बाद काफी अच्छी स्टिचिंग कर ली है, लाइक एकदम इसे होता है ना एकदम परफेक्ट वाली स्टिचिंग वो कर ली मैंने। मेरे को बहुत टाइम लगा है ये स्टिचिंग करने में, मतलब इसे ना ऊपर नीचे हो रहा था, बार बार निकल रहे थे धागे और सही से चल नहीं रही थी मशीन भी, तो
तो फिर दो तीन बार ट्राई करने के बाद काफी अच्छी स्टिचिंग कर ली, तो मुझे लग रहा है मैं कर सकती हूँ। आप ये देख सकते हो फ्रंट साइड में मैंने स्टिचिंग कर ली, तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है यार। बढ़िया लग रहा है ना, देखो ना प्यारा लग रहा है। तो आपको मैं इस पे लगा के बताती हूँ, ये देखो कितनी प्यारी आ रही है, देखो फिटिंग वगैरह। I do it. So, अभी बन रही है चाय, माँ बना रही है चाय बीच में। अभी चाय पी के वापिस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत मम्मी से पूछ भी लूंगी कैसे करना है आगे, एंड थोड़ा बहुत ही बता रही है मम्मी, वैसे पूरा मैं ही सीख रही हूँ, है ना? तुम्हें चलना तुम्हें दिया है तो तुम ही सीखोगे। चलो चाय बन रही है देखो। ओ भाई साहब, मतलब देखो कितना मतलब प्रिटी सा लग रहा है ना। ये देखो ये फ्रंट साइज है, एंड यहाँ पे ऊपर स्लीव्स वगैरह वाले वो कर देंगे, एंड ये बैक साइड है। तो फिर देखो ये कितना प्रिटी लग रहा है ना ये वाला डिजाइन। सो गाइस लुक एट दिस, मतलब कितना प्रिटी लग रहा है ना देखो। एंड इसका ना यार ये वाला पैटर्न कितना प्यारा आ रहा है ना, ये वाला लुक। एंड अभी मतलब मेरे को ना अभी अभी जस्ट आइडिया है कि मैं ना इनको तीन साइड से ना डिवाइड करके वो करती ना, तो ये टॉप बन जाता ना। यस, बट अभी मैंने इसको ब्लाउज टाइप से बनाया, एंड इसको है ना मतलब मैंने थोड़ा कपड़ा है ना ये वाला लिया है पार्ट वेयर। सो अभी हम बना रही है बैक साइड डिजाइन, तो यहाँ पे हम ये क्या बोलते हैं इनको, डोरी लगाएंगे। हाँ ये वाली डोरी लगाएंगे ऐसे करके, तभी मम्मी हेल्प कर रही है क्योंकि ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो एंड आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अभी मेरे को है ना ये समझ आ गया, तो अभी मैं खुद ही कर रही हूँ। मम्मी ने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सो अभी मैं खुद कर रही हूँ। इनको फिक्स करना थोड़ा हार्ड है, इनको जी आगे पीछे खिसक जाते हो। देखो कितना मस्त बना है ये देखो कितना प्यारा बना है ना। एंड अभी इसके अंदर ये डोरी डालनी है, फिर इसका फाइनल लुक आ जाएगा एंड में। एंड इसके नीचे क्या बोलते हैं उसको, लटकन आई थिंक वो डालेंगे, फिर और भी ज्यादा प्रीटी लगेगा। सो अभी हमें इस पे लगानी है ये वाली क्या बोलते हैं लेस, यहाँ पे मैं लेस लगा दूंगी। ये नीचे वाली साइड है जो बैक साइड होगी ना नीचे, कितनी प्रीटी लगेगी देखो। सो गाइज आई डू इट, एंड मैंने बहुत अच्छे से कर रखी है देखो, लेस भी लगा दी मैंने कितनी अच्छे से। सो अभी नेक्स्ट करते हैं, आगे वाली लेस लगाते हैं। ये देखो मैंने है ना ये बना लिया, एंड अभी है ना यहाँ पे ये स्लीव्स के लिए ये लगाने हैं, एंड बाकी पूरा बन के रेडी हो गया है। तो अभी ना मुझे ये वाली आगे की लगानी है स्लीव्स, एंड मम्मी कर रही है अपना क्या बोलते हैं इसको, काज 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 लगा रही हूँ, काज है ना काज बटन। एंड अभी मुझे ये स्लीव्स बनानी है। सो अभी बाजू की कटिंग हो गई है, ये अपन बाजू लगाएंगे, लूज लूज बाजू की है तो अभी बाजू लगाती है। अभी ये बाजू लगानी है यहाँ पे, मैं बाजू लगानी है यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो अभी मैं आपको लगा के बताती हूँ इसका लुक कैसा आता है। सो गाइज ये बनके रेडी हो गया है, देखो इसका लुक, ये बैक साइड है
एंड ये है फ्रंट साइड एंड मैंने इसके ये लटकन भी बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। सो कैसा लगा आपको ये वाला ब्लाउज? अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ये इसकी स्लीव जो कि पहले मैंने ना लेस लगाई थी उसके बाद इसकी फुल स्लीव्स कर दी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड मैंने जो चेलियंस लिया था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे एंड काफी प्यारा लग रहा है तो मैं भी इसको फ्रेश करके पहन के बताती हूँ। हाँ तो मैं देखती हूँ इसका लुक कैसा आता है। So, चलो मैं भी इसको वियर करके आती हूँ। सो गाइस देख सकते हो कितनी प्रिटी मतलब प्रिटी ब्लाउज बनाई इतना मस्त लग रहा है। इसका बैक डिजाइन जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। मम्मी कैसा लगा इधर इसकी फिटिंग? बहुत बढ़िया सिला है इसने खुद ही सिला है और बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है और इसका बैक डिजाइन देखिए। तो इसने कोई मेजरमेंट नहीं लिया था सीधा डमी के ऊपर इसको रख के इसने सिला है तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और देखिए इसका स्लीव्स में डिजाइन देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत चुनटे डाल के और लूज स्लीव्स बनाई है और इसको जींस पे भी पहन सकती है लहंगे साड़ी किसी में भी ये पहन सकती है अच्छा लग रहा है। या। 2 दिन के बाद ये ब्लाउज रेडी हुआ है सो अभी मुझे भी लग रहा है मैं सिलाई कर सकती हूँ। सो अभी ट्राई करेंगे अपन। एंड वन मंथ में बैठी रहती थी मैं सोचती थी ये कैसे बनाती है बट अभी मैंने बना लिया तो मुझे लग रहा है मैं भी बना सकती हूँ। सो मैंने चैलेंज पास किया यस। सो ओके बाय। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमेंट कर। एंड आपको ये टॉप ब्लाउज कैसा लगा? मुझे तो क्योंकि मैंने खुद ने बनाया इसलिए मैं मेरे को एंड आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। यस सो मैंने बना दिया। ओके बाय अगले वीडियो में मिलते हैं एंड कमेंट में जरूर बताना कि अगला वीडियो किस पे बनाए एंड ओके बाय।